तो आखिरकार आज 2 अक्टूबर को बॉलीवुड की वो मूवी जिसका हम सबको बहुत वेट था यानी कि आदि पुरुष का टीजर आ चुका है। और भाई मुझसे पूछो तो मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड था बहुत ज्यादा, और मैं सुबह से वेट कर रहा था कि भाई 7:11 कब बजेंगे, शाम के 7:11 कब बजेंगे। लेकिन आज शाम को ठीक 7:11 पे जब मैंने ये टीजर देखा तो भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मुझको बहुत गुस्सा आया। आज सुबह मेरे मन में एक डर सा आया कि भाई कहीं इस मूवी का पहला टीजर एनिमेशन ना हो, और मेरा वो डर सही साबित हुआ। भाई मैं बता नहीं पा रहा कि मुझे कितना दुख हो रहा है यार, मतलब सच में इस तरह से हम रामायण को और श्री राम को देखने वाले हैं। भाई अगर ये बनाना था तो आप बनाते पूरा एनिमेशन, लाइव एक्शन के नाम पे हमको प्लीज ये मत दो। इस टीजर ने मुझको निराश करा है बहुत ज्यादा। इस मूवी से मेरी उम्मीदें थी बहुत ज्यादा, मैं इस मूवी का बहुत वेट कर रहा था, लेकिन भाई आज दिल टूट गया है मेरा। भाई हमको चाहिए था एक प्रॉपर लाइव एक्शन, लेकिन भाई यहाँ पे इंसानों के अलावा बाकी सब चीजें VFX हैं, एनिमेशन है, और भाई कहीं कहीं तो श्री राम, सीता माता और रावण भी एनिमेशन लग रहे थे। भाई 500 करोड़ के बजट से हम ये देखने वाले हैं? नहीं भाई, मैं इसको सपोर्ट नहीं करने वाला। वो तो अच्छा है कि टीजर ने बता दिया कि मूवी कैसे होने वाली है। भाई ओम राउत जी जिनकी लास्ट मूवी थी तानाजी, उनकी नेक्स्ट मूवी ये है। सच में यार स्टार्टिंग का जो वो सीन था पहाड़ वाला, बस उस सेकंड भर के सीन के अलावा मुझे पूरे टीजर में सब कुछ बेकार लगा। प्रभास सर की कास्टिंग बेकार नहीं है, लेकिन जो उनका लुक है भाई वो सही नहीं है। हमें उनको देख के श्री राम वाली फील आ ही नहीं रही है। और भाई एंड में हम क्या देखते हैं, युद्ध के समय श्री राम ने कवच पहन रखा है। और भाई सैफ अली खान यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, इतना खराब लुक है उनका। और भाई जो उनका 10 सर वाला सीन था वो पूरी तरह से नकली था, और जब उनकी एंट्री होती है वो अपने वाहन पे आते हैं तो यार वो साफ साफ नकली लग रहा था। और सिर्फ एक वही सीन नहीं, लंका के सारे सीन्स, युद्ध के सारे सीन्स, पूरी की पूरी वानर सेना, वो सब कुछ साफ साफ फेक लग रही है। अगर कुछ सही था तो वो था वो सेकंड भर का सीन जहाँ पे आती है कृति सैनन। लेकिन भाई फिर वही बात, यहाँ भी हम देखने वाले हैं वो रोमांटिक सीन्स, और भाई सच में मुझे उनको देख के राम सीता वाली फीलिंग आ ही नहीं रही। टीजर को देख के पूरे माइंड में इस मूवी के लिए बस नेगेटिविटी आ रही है। नहीं भाई ये उम्मीद नहीं थी, हमको देखना है लाइव एक्शन, एनिमेशन हमको नहीं देखना। और भाई एनिमेशन के लिए एक जैपनीज एनिमे है और उसका एनिमेशन इससे लाख गुना बढ़िया है। चलो माना कि मूवी एनिमेशन है, लेकिन भाई यहाँ तो वो भी खराब है। पूरे टीजर में कोई भी सीन, कोई भी सेट, कोई भी लोकेशन, कोई भी एक्टर, किसी को भी देख के एक पॉजिटिव वाइब आ ही नहीं रही है। तो भाई लोग ये था हमारे 2.5 वर्षों का इंतजार आदि पुरुष। लेकिन हाँ भाई ये मेरा मत है, मैंने जो चाहा था वो मुझको नहीं मिला और इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। और अब यहाँ से हम समझ चुके हैं कि अब बॉलीवुड और कुछ कर ही नहीं सकता। भाई बॉलीवुड आप हमसे बोल दो कि आपसे कुछ नहीं होने वाला, हम आपको माफ कर देंगे, आप बनाओ, आप सिर्फ और सिर्फ बनाओ रोमांटिक मूवीज। हमारे कल्चर के लिए, पेट्रियोटिज्म के लिए साउथ मूवीज काफी हैं, हम उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं। लेकिन प्लीज आप लोग नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म और हमारे कल्चर इनसे दूर रहो। बाकी हाँ भाई ये था बस टीजर तो इसलिए लंबी बात करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी यार मुझको दिल से बुरा लग रहा है कि ये क्या बना दिया। आदि पुरुष, ओम राउत, प्रभास गारू, भाई क्या क्या सोच रखा था और ये क्या बना दिया। मैं बस ये बोलूंगा कि बॉलीवुड तुमसे ना हो पाएगा। और जाने के पहले बस एक बात, श्री राम के रोल के लिए बने हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण गोविल जी। उस रामायण के बाद ना जाने कितनी रामायण आई है, लेकिन भाई वो कमाल, वो जादू आज तक कोई दिखाई नहीं पाया। उनको देख के अंदर से श्री राम वाली फीलिंग आती है। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए, धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक रामायण वाली कोई फीलिंग है ही नहीं, और यही इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। बाकी यहाँ टीजर का BGM अच्छा था, जो पीछे वो गाना बजता है श्री राम का वो सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई फिर भी मुझको लग रहा है कि आदि पुरुष इससे अच्छी होगी राम सेतु। तो हाँ आदि पुरुष के लिए मेरे मन में अब और कोई भी उम्मीद नहीं है। ओम राउत जी, प्रभास सर,
सॉरी लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझको। तो बस इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई प्लीज लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और अगर आपने देखा ये टीजर तो कैसा लगा कमेंट्स में लिख देना, और फिर ट्विटर इंस्टाग्राम जहां मन करे वहां फॉलो कर लो, और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहिए आपका अपना चैनल मूवीवर्स। जय श्री राम।